आज इस वीडियो में हम वी ड्रिफ्ट इस नाम वाले कार रेसिंग गेम के बारे में जानकारी लेंगे। इसे ड्राइविंग सिमुलेशन गेम भी कहा जाता है। यह एक विनामूल्य है और यह क्रॉस प्लेटफॉर्म और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह गेम विंडोज़, मैकिंटोश और लिनक्स इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर खेला जा सकता है। यह एक डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विंडोज़ के लिए यह 508 मेगाबाइट्स का डाउनलोड है। अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विकिपीडिया के वी ड्रिफ्ट नाम के आर्टिकल में इस गेम के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया भर के कार रेसिंग के जो वास्तविक ट्रैक्स होते हैं उन ट्रैक्स को इस गेम के अंदर सम्मिलित किया गया है। जब आप इस गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो पहली बार आपको स्टार्ट मेनू से उसके मेनू ऑप्शन पर क्लिक करके उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेस्कटॉप शॉर्टकट नहीं बनता है। अगर आपको यह गेम बार बार खेलना हो तो आप इसका एक डेस्कटॉप शॉर्टकट बना लीजिए। जब यह गेम शुरू होता है तो यह आपको इस प्रकार की एक विंडो दिखाई देती है। इसमें अलग अलग प्रकार के मेन्यूज़ हैं। इसमें है प्रैक्टिस गेम, सिंगल रेस, रिप्लेज, ऑप्शंस, अपडेट्स और क्विट। अपडेट्स का मतलब जब इस गेम के अंदर कुछ नए ट्रैक्स या नई कारें जोड़ी जाएंगी तो आप उन्हें अपडेट्स इस लिंक पर क्लिक करके आप उसे अपडेट कर सकते हो। ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर डिस्प्ले, ग्राफिक्स, साउंड, कंट्रोल्स, ये अलग अलग प्रकार के मेनूज़ हैं। कंट्रोल है, यह आपके गेम के कंट्रोल्स के ऑप्शंस को दर्शाता है। आमतौर पे जो कीबोर्ड के चार एरो कीज़ हैं इससे यह कार का गेम संचालित होता है। उसके अलावा एस भी एक की है। अगर कार का इंजन बंद पड़ जाए किसी एक्सीडेंट के कारण तो एस की दबाकर आप उसे शुरू कर सकते हो। तो जब भी आपको इसके कंट्रोल्स को देखने की ज़रूरत हो तो ऑप्शंस में आकर कंट्रोल्स पे क्लिक करके फिर कार में जाइए और यहाँ पर आपको इसके सारे कंट्रोल्स दिखाई देंगे। आप चाहो तो इसके एडवांस्ड फीचर्स में अलग अलग कीज़ असाइन भी कर सकते हो, और साथ ही इस गेम के डिस्प्ले को भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने कार रेसिंग के गेम्स पहले नहीं खेले होंगे तो प्रैक्टिस गेम इस ऑप्शन में जाकर आप इस गेम का अभ्यास कर सकते हो। वास्तविक गेम का जो मुख्य मेनू है वह है सिंगल रेस। इस पर क्लिक करने से यह दूसरा विंडो आपको दिखाई देगा। इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ट्रैक, तो यहाँ पर अलग अलग ट्रैक्स के नाम दिए गए हैं और वहाँ पर एक एरो बटन भी है। एरो के ऊपर क्लिक करने से दाहिनी ओर आपको उस ट्रैक का चित्र दिखाई देगा। तो इस प्रकार अलग अलग ट्रैक्स के चित्र आप देखकर उसमें से चुन सकते हो। दूसरा ऑप्शन है लैप्स, तो एक ट्रैक पर आप कितने चक्कर काटना चाहते हो यह आप यहां से निर्धारित कर सकते हो। आप चाहो तो एक ही लैप रखें या फिर एक से ज़्यादा भी लैप्स रख सकते हो। उसके बाद है कार्स, यह एक रेस है, तो आप भी ड्राइव करोगे और आपके साथ दूसरी कारें भी इसके अंदर दौड़ेंगी। तो दूसरी कारें जो हैं वह कंप्यूटर द्वारा संचालित की जाती हैं, तो कम से कम इसमें दो कारें तो होंगी ही, एक आपकी और एक कंप्यूटर के लिए। और आप चाहो तो इसके अंदर दो से ज़्यादा कारें भी चुन सकते हो, वे सारी कारें भी कंप्यूटर के द्वारा ही चलाई जाएंगी। फिर नीचे
एक ऑप्शन है कार, यहाँ से आपके कार का मॉडल चुन सकते हो। यहाँ पर एरो बटन पर क्लिक करने से आपको कार के मॉडल आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कार का मॉडल चुनने के बाद आप उसको पेंट कर सकते हो। तो पेंट के भी अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। उस कार के कलर को बदल सकते हो। तो आपकी इच्छा अनुसार परिवर्तन करने के बाद स्टार्ट रेस इस बटन को दबाने से यह खेल शुरू हो जाएगा। आपको स्क्रीन के ऊपर उस ट्रैक का मैप दिखाई देगा और जो अलग अलग कारें दौड़ रही हैं उनकी स्थिति भी आपको उस ट्रैक के ऊपर दिखाई देगी। तो बच्चों को रेसिंग वाले गेम्स जिन्हें अच्छे लगते हैं उनके लिए आप ये गेम ज़रूर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके खेल सकते हो। इसे डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा। खेलते समय अगर आपको कोई दिक्कत आई तो इस्केप की दबा दीजिए। उसे एक मेनू आपको दिखाई देगा जिसमें आप चाहो तो ऑप्शंस में जाके कंट्रोल्स वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हो या फिर गेम को दोबारा से शुरू कर सकते हो या गेम बंद भी यहाँ से कर सकते हो।